हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 मॉडल पेपर 2023 कराची बोर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर आपके सामने है, ये लिंक के अंदर भी मौजूद होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा सेक्शन जो है वो ए है, 20% 60 में से 20% बनता है 12 मार्क्स। तो ये 12 MCQs होंगे जो कि आपको सॉल्व करेंगे, और हर MCQs का जो नंबर होगा वो 1 होगा। सेकेंड सेक्शन जो है वो बी सेक्शन है, ये 40% होगा। 60 का 40% 24 होता है, तो आपको 24 मार्क्स यहाँ से गेन करने। आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और हर क्वेश्चन के जो नंबर है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट आर आइसोटोप्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आइसोटोप। दो आइसोटोप दिए, कार्बन 14 दिया है और क्लोरीन 37 दिया है। सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। वो सारे एटम जो कि एक ही एलिमेंट की बात की जाए, जैसे हाइड्रोजन की सिर्फ बात कर लें, सिर्फ कार्बन की बात कर लें, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना, उनके अंदर प्रोटॉन सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। तो ऐसे एटम को हम आइसोटोप्स कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल से पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इनकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। दे हैव सेम एटोमिक नंबर। आपको पता है एटोमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटोन होता है, तो सब उनके अंदर एक एक प्रोटोन नजर आ रहा है। यानी ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर 1 होता है। एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी बराबर होती है, तो एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तीनों की सेम है। ठीक है, बट डिफरेंट इन मास नंबर, देयरफॉर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मास नंबर तीनों का चेंज है, मास नंबर चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो जाएगी। तीन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। यहाँ पे डीवी आइसोटोप तीन होते हैं, हाइड्रोजन 1 जो होता है प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन 2 को ड्यूट्रियम कहते हैं, हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम है। हाइड्रोजन 1 जो है प्रोटियम, उसके पास एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, मास नंबर 1। ड्यूट्रियम जो है हमारे पास, इसका जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, मास नंबर 2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 1 होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी 1 1 होगी। ट्राइट्रियम जो अगर हम उसकी बात करें, तो इसका मास नंबर 3 है, क्योंकि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और 7 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मास नंबर 3 हो जाएगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कार्बन 14 और क्लोरीन 37। जो ओपन होता है वो मास नंबर होता है, वही हम पढ़ते हैं सिंबल के साथ, और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन 14 की जब हम बात करें, तो एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। ठीक है, इसके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी 6 होगी। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 14 है, इसमें से 6 एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। कार्बन क्लोरीन 37 की बात करें, तो एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 37 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी एटॉमिक नंबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, 17 होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो एटॉमिक नंबर जो हम माइनस करेंगे मास नंबर 37 में से 17, तो क्वांटिटी कितनी निकल जाएगी, 20। तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, 20 न्यूट्रॉन। होप सो कि आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन, वॉट इज एन एलॉय। एलॉय क्या है, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड 1 यूज ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। आपको पहले एलॉय को बताना है क्या होता है, और फिर आपको कंपोजिशन बतानी है किसी भी उसकी, दो की इन्होंने पूछी है, ब्रास और ब्रोंज की, और एक यूज बताना है। तो सबसे पहले एलॉय, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा मेटल हो सकते हैं। और एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। या तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स मिलकर बनते हैं, मल्टीपल मेटल आपस में मिला लिए जाए तो लाई बनेगा, या एक मेटल उसके साथ कोई सी भी नॉन मेटल हम मिक्स करेंगे लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, प्योर मेटल्स। अब रीजन क्या है लाई बनाने का, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। प्योर मेटल आर नेवर यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज नहीं करते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं आमतौर पर प्योर मेटल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इज यूज टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंगल मेटल, एंड इट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इज नोन एज एलॉय। और इसके बाद हम जब दूसरा मेटल बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, एनहांस हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम एलॉय कहेंगे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने दिए, ब्रास की और स्टील की। ब्रास के अंदर कौन कौन से मेटल है, कॉपर और जिंक होता है, एलॉय है कॉपर और जिंक का। स्टील जो है वो एलॉय है आयरन और कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है
कंपोजिशन, इसके दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर, हमें कंपोजिशन भी बतानी है ब्रास और ब्रोंज के, और यूजेस भी बताने। यहाँ पे बहुत सारे यूजेस लिखे हैं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ब्रास एक्चुअली जो होता है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, और ब्रोंज जो होता है कॉपर जिंक और टिन का एलॉय होता है। आमतौर पे कॉपर और जिंक की जो वैसे वेरी करता है, 90% कॉपर है तो 10% जिंक होता है, ठीक है, ब्रास के अंदर। ब्रोंज की अगर हम बात करें तो 88% जो है कॉपर होता है और 12% जो है वो टिन होता है, ठीक है। अब इसकी यूजेस, यूजेस बहुत सारे हैं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लॉकर्स बनाने के लिए, गियर्स बनाने के, बियरिंग बनाने के लिए, कास्टिंग, जिपर, प्लम्बिंग, हॉर्स कपलिंग, बॉल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल प्लग्स बनाने के लिए, सॉकेट, इसमें से ये सारे के सारे, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए और हॉर्न और बेल बनाने के लिए, यह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रास इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंज के बहुत सारे यूजेस हैं, ब्रोंज को हम यूज करते हैं स्कल्पचर बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, मेडल्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बहुत है, ब्रशिंग के लिए करते हैं, बेयरिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ये वेट में लो होता है तो फिर हम फ्रिक्शन और दूसरे एडवांटेज भी इससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप, और ये रेजिस्टेंट कोरिजन को भी रेजिस्ट करता है, तो हम इस वजह से ब्रोंज को प्रिपेयर करते हैं ऐसे सब्सटेंस के लिए जो वाटर से इन टच रहे, तो वो वाटर को ज्यादा वो कोरिजन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड चेक करते रहते हैं। अगर दो नंबर ऑफ एटम जो है, जो जितने भी टाइप के एटम है उनकी क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है, तो इट विल बी बैलेंस, कंसिडर एज अ बैलेंस, उसको बैलेंस कंसिडर किया जाता है। पहला वाला हमारे पास है पोटेशियम हाइड्राइड और क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, और हमें प्रोडक्ट में मतलब पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। अब हम इसको देखते हैं, तो ये एक यहाँ पे पोटेशियम है और एक आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन के दो एटम है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो आयोडीन 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। अब क्लोरीन यहाँ पे भी, आयोडीन यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन क्योंकि पोटेशियम और आयोडीन एक साथ था, तो हमने यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसको चेक करेंगे तो पोटेशियम रिएक्टेंट साइड पे 2 है, आयोडीन 2 है और क्लोरीन एटम 2 है, तो इस तरह अब प्रोडक्ट को चेक करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे पोटेशियम 2 है, 2 पोटेशियम क्योंकि 2 शुरू में लगा है, 2 क्लोरीन, ठीक है, और 2 आयोडीन, इस तरह ये बैलेंस हो गया। तो हम इसको रीराइट क्लिक करेंगे और बता देंगे कि ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। जब कैल्शियम क्लोराइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CaCl2, तो 2 क्लोरीन चाहिए, तो हम HCl के साथ 2 लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन भी 2 टाइम हो जाए, क्लोरीन भी 2 टाइम हो जाए। अब इसको हम इंस्पेक्शन मेथड से चेक करते हैं, कैल्शियम जो है रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, ठीक है, एक ही है। कार्बन जो है रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में 1 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 1 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में ऑक्सीजन जो है वो 3 टाइम है। अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहाँ पे हमने 2 लगाया था तो 2 क्लोरीन हो गए, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है क्योंकि CaCl2 के साथ बना है, तो 2 क्लोरीन, तो ये भी हमारा बैलेंस है, ये हमने बैलेंस कर लिया है। कैसे बैलेंस किया, बाय प्लेसिंग 2 विद HCl, HCl के साथ 2 लगाने से ये बैलेंस हो गया, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं था। नेक्स्ट जो हमारा है तीसरी वाली इक्वेशन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम है, तो हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 2 ऐड करेंगे तो सोडियम 2 टाइम हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 टाइम हो जाएगा, कार्बन 2 टाइम हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 टू द 6 6 टाइम हो जाएगा। प्रोडक्ट में देखें तो सोडियम ऑलरेडी 2 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है 2 टाइम है, कार्बन 1 और 1 2 बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हमारे पास ये भी बैलेंस है, ठीक है।
तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हुआ, हमने क्या प्लेस किया, हमने टू लगाया इस सोडियम बाय यानी रिएक्टेंट साइड पे, हमने इंक्रीज किया टू, तो ये हमारा बना है बैलेंस इक्वेशन हो गई है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो है प्रोडक्ट में सोडियम ज्यादा था और रिएक्टेंट में कम था। तो इस तरह हम चेक करके, इंस्पेक्शन करके वन बाय वन चेक करते हैं और फिर जो है हम क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं। अगर ये डायरेक्ट बैलेंस है तो हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंपेयर करते हैं। इस मेथड को हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिजाइन प्राइमरी एंड कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस ऑफ जिंक आयन कैटाइन। जिंक कैटाइन की हमें आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसका सीटी यानी कंफर्मेटिव टेस्ट भी करना है। तो इसके लिए हमें एक डिजाइन करना है एक्सपेरिमेंट। तो हमें क्वालिटेटिव करना है, क्वांटिटेटिव नहीं करते। क्वांटिटेटिव के अंदर हम कहते हैं परसेंटेज में या किसी नंबर में कैलकुलेट करते हैं, या हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है यानी क्वालिटेटिव के आइदर इसके अंदर जिंक आयन मौजूद है कि नहीं है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच दैट इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टू रिमूव कैटाइन्स सिक्वेंशियली फ्रॉम द मिक्सचर। हमारे पास एक मेथड है, उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हम जिंक आयन को प्रेसिपिटेट करवा लें। कैसे प्रेसिपिटेट करवाएंगे, तो हम एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक आयन के अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो जिंक की ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ सोडियम, तो सोडियम को रिप्लेस कर लेगा, वहां पे जिंक आ जाएगा, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इस तरह आप कोई भी सैंपल ले लें जिसके अंदर जिंक आयन मौजूद हो, उसके अंदर आपने ऐड क्या करना है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, और ऐड करने से क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट बनना शुरू देंगे। और जब आप एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये वापस डिजोल्व हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड दोबारा डिजोल्व हो जाता है। तो इस मेथड से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं जिंक आयन और उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। कंफर्म कैसे किया, हमने एक्सेस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो प्रेसिपिटेट जो बने थे वो डिसअपीयर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। 3 एलिमेंट दिए हुए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखनी है। नाइट्रोजन की लिखनी है, मैग्नीशियम की लिखनी है, क्लोरीन की लिखनी है। फॉलोइंग एलिमेंट ये हमारे पास नाइट्रोजन का बताना है, हमें मैग्नीशियम का बताना है, क्लोरीन का बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के लिए हम एबव प्रिंसिपल यूज करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने शेल और सब शेल को एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज किया, और कहते हैं कि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है वो पहले फिल होता है। तो पहला शेल जो है उसका एक ही सब शेल है 1s, दूसरा जो हमारे पास शेल है उसके 2 सब शेल है 2s और 2p, 3 जो है उसके 3 सब शेल है 3s 3p 3d, और 4 और 4 के बाद जितने भी हमारे पास सब शेल्स हैं उसके 4 कॉम्पोनेंट है, 4 पार्ट है, 4s 4p 4d और 4f, ये 4 हिस्सों में स्प्लिट हुए हैं। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, जब भी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो एकोमोडेटिव डेट होगा फर्स्ट शेल के अंदर 1s में, फिर 2s में जाएगा फिल करेगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन, इसी तरह ये करता रहेगा। ठीक है, ये हम सीक्वेंस लिख लेते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड सो ऑन। हमें जो है नाइट्रोजन का बताना है, मैग्नीशियम का बताना है, क्लोरीन का बताना है। ठीक है, हमें किस किस का बताना है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p3, यानी पहले शेल के s में सब शेल के अंदर 2 जाएंगे, दूसरे शेल के एस एस के अंदर 2 जाएंगे, सब 4 हो गए, रिमेनिंग जो 3 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 2p3 में चले जाएंगे। ठीक है, 2 के दूसरे कंपोनेंट पी कंपोनेंट पी ब्लॉक के अंदर 3 बाकी 3 हो जाएंगे। तो ये इसकी कंफिगरेशन कंप्लीट हो गई 1s2, 2s2, 2p3। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 को हमें एकोमोडेट करना है, तो 1s2, 2s2,
2s2 2p6, तो 10 हो गए। अब बाकी जो रिमेनिंग हो गया है वो 3s में जाएगा, तो 3s में जो दो रिमेनिंग है 12 में से 10 माइनस करें, दो जो रिमेनिंग है 3s2 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, 17 को जब हम एकोमोडेट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। बाकी जो 7 हमारे हैं थ्री थर्ड वाले शेल के अंदर जाएंगे, थर्ड शेल के अंदर दो जो चल जाएंगे वो 3s के अंदर चले जाएंगे, और बाकी जो है पांच जो है रह जाएंगे वो 3p के अंदर हो जाएंगे। इस तरह इसकी कंफिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 3p5। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपको लिखनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा न्यूमेरिक, ये हमारा जो एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये जो हमारा है ये टेम्परेचर के इसमें बॉयल्स लॉ, चार्स लॉ से है ये सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारा चार्स लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे। 600 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 से हम उसको हीट करें 77 तक पहुंच जाएगी। एक कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए हमें पता चला कि चार्स लॉ है, क्योंकि चार्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए चार्स लॉ क्या है, चार्स लॉ क्या है। अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल गैसेस विल एक्सपेंडेड बाय द सेम अमाउंट फॉर एन इक्वल राइज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे वॉल्यूम में चेंज आता चला जाएगा। अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अब हम डेटा बना लेते हैं, पहले टी वन बना लेते हैं। टी वन, अच्छा ये जो हम चार्स लॉ के अंदर होते हैं हमें टेम्परेचर जो है बस कैलविन में चाहिए होता है, तो हम पहले सेंटीग्रेड को कैलविन में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीग्रेड को कैलविन में कन्वर्ट कर कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 273 जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम 27 में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 300। और जब हम करेंगे 77 में 273 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 350। तो दो केल्विन, तो दो हमारे पास टेम्परेचर आ गया, टी वन और टी टू। वॉल्यूम हमारे पास एक गिवन है, इन्होंने दिया हुआ है आपको वॉल्यूम 600, तो वी वन दिया हुआ है जो कि 600 है, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, हमें पता है जब हम इसको रेसिप्रोकल का साइन हटाएंगे तो ये अपॉन हो जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको हम फर्दर सेकेंड जो रीडिंग ले के लिए करेंगे तो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वी टू इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है कैसे कैलकुलेट करेंगे, 600 वॉल्यूम है, 300 पहला टेम्परेचर है इज इक्वल टू वी टू, और ये दूसरा टेम्परेचर कितना है 350। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो इन दोनों को करेंगे तो 2 आ गया और यहाँ पे क्या है 350, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे लेकर जाएंगे तो मल्टी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 350 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास जाएगा 700 ml। तो इस तरह हमें पता चलता है कि 77 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 700 ml वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है रिजल्ट, क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी 700 ml। तो हमारे पास जो सैंपल है वहाँ पे कितना है 700। अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं लिखा है इन्होंने, वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। होप सो कि सॉल्व कर सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंडिकेट वन यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद देयर कमर्शियल फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूले की मदद का हमें लिखना है और एक यूज भी लिखना है कंपाउंड का। तो सबसे पहले स्लैक लाइम है, स्लैक लाइम हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, फॉर्मूला के CA और OH के दो ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम बहुत सी जगहों पे यूज कर सकते हैं, आप इसमें से जो भी आपको इजी लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राई मिक्सर और फॉर द पेंटिंग एंड वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइम स्टोन जो है इज वेरी गुड एट रिलीविंग नी पेन, बैक पेन एंड शोल्डर पेन। शोल्डर पे जो पेन होता है जो आमतौर पे चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये रिलीव करता है, पेन में मदद करता है, खासकर घुटनों के पेन में, बैक पेन में और शोल्डर पेन में। लाइम स्टोन प्रिवेंट टॉक्सिसिटीज विद इन द सॉइल, सॉइल की टॉक्सिसिटी को सही करता है। अच्छा यूजिंग लाइम स्टोन इन यंगर योर गार्डन और लॉन विल हेल्प टू नरिश योर प्लांट सो दे लिव एंड ग्रो
एवर लॉन्गर। अगर आप इसको अपने गार्डन में यूज करेंगे तो आपके प्लांट ज्यादा नरिश करेंगे। इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप लिख लें। लाइम स्टोन सेकेंड है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है CaCO3। इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? स्टील मैन्युफैक्चर में कर सकते हैं, माइनिंग में कर सकते हैं, पेपर प्रोडक्शन में कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्शन में कर सकते हैं। लाइम आल्सो हैज मेजर एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास और एग्रीकल्चर। ग्लास और एग्रीकल्चर के में भी, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी ये बहुत ज्यादा लाइम स्टोन को यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा सोडा ऐश। सोडा ऐश कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। अच्छा, ये जो हम यूज करते हैं हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में, जैसे डिटर्जेंट, सोप बनाने के लिए कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए कर सकते हैं हम इसको, और इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको फूड के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, और कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह सोडा ऐश भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम